तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BA फर्स्ट ईयर हिंदी फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो राम कुमार वर्मा जी से रिलेटेड होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राम कुमार वर्मा जी से रिलेटेड BA के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से इन क्वेश्चनों को समझना है। और ये सारे क्वेश्चन पिछले कई सालों में कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। आई होप आपको पूरी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में, ठीक है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको इस वीडियो के जरिए आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन यानी कि आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे, कृपाकांत वर्मा, श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, सी नंबर अमरकांत वर्मा, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो राम कुमार के पिता का जो नाम था वो था श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा जी, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ओके, लक्ष्मी प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन एक है 1901, बी नंबर है 1895, सी नंबर 1905 और डी नंबर है 1915। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो जन्म हुआ था सन 1905 में हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरी देखिएगा, जरा सा भी मिस मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन इस वीडियो में डाले हैं, वीडियो को पूरी देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पे फिर आते हैं, पृथ्वीराज की आंखें के लेखक कौन है। नंबर एक अज्ञेय, बी नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी नंबर भारतेंदु, डी नंबर राम कुमार वर्मा। तो पृथ्वीराज की आंखें के जो लेखक हैं वो श्री हमारे राम कुमार वर्मा जी हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में उसके साइड में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं शाम को प्रत्येक दिन 7 बजे के बाद मेरी क्लासेज आ जाती हैं, तो प्लीज़ आप क्लासेज को ज्वाइन करिए। आई होप आपको काफ़ी एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त ने किस राज्य पर विजय प्राप्त की। नंबर एक है अलकापुरी, बी नंबर कुसुमपुर, सी नंबर जगतपुर, डी नंबर नाथपुर। तो चंद्रगुप्त ने कुसुमपुर पे विजय प्राप्त की थी, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ओके। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की माता का क्या नाम था। ऑप्शन एक है मीरा देवी, बी नंबर राजरानी देवी, सी नंबर राम कुमारी, डी नंबर तारा रानी। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की जो माता का नाम था वो था राजरानी देवी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ओके। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि हृदय का व्यापार नहीं होता सम्राट किसका कथन है। ये कथन या ये पंक्ति जिन्होंने कही है उनका क्या नाम है इनमें से। ऑप्शन एक है महारानी, नौकरानी, अलका, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर अलका, ठीक है, अलका का कथन है। अगला क्वेश्चन है, अलका पहले किसके दरबार में नतर्की थी। ऑप्शन एक है नंद के, बी नंबर चाणक्य के, और सी नंबर वसुगुप्त के, और सी नंबर रामगुप्त के। तो अलका पहले नंद के दरबार में नतर्की थी, इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ओके। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। अभी आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा कि राम कुमार वर्मा का जन्म कब हुआ था, अब क्वेश्चन आ रहा है कि कहाँ हुआ है। ऑप्शन एक है मध्य प्रदेश, बी नंबर हिमाचल प्रदेश, और सी नंबर उत्तर प्रदेश, डी नंबर उड़ीसा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से रिमझिम एकांकी किसकी है। ऑप्शन एक है जयशंकर प्रसाद, बी नंबर राम कुमार वर्मा, सी नंबर भारतेंदु, और डी नंबर है नागेंद्र। तो जो रिमझिम एकांकी है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। रिमझिम ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से दीपदान एकांकी किसकी है। गुलाब राय, हरिवंश राय बच्चन, सी नंबर उदय शंकर भट्ट, डी नंबर राम कुमार वर्मा। तो दीपदान बहुत ही जनरली क्वेश्चन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं एग्जाम में और आते ही हैं, ठीक है। तो दीपदान जो एकांकी है ध्यान रखना वो राम कुमार वर्मा की है, और दीपदान एक प्रकार की एकांकी है, ठीक है, विधल एकांकी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
कि ध्रुव तारिका एकांकिका प्रकाशन कब हुआ, नंबर एक है 1970, बी नंबर 1920 और सी नंबर है 1995, डी नंबर 1919। तो ध्रुव तारिका ये भी राम कुमार वर्मा की ही कृति है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसकी प्रकाशन वर्ष या किस वर्ष में रची गई थी, तो ऑप्शन एक है 1970, बी नंबर 1920 और सी नंबर है 1950 और डी नंबर 1919। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, प्रकाशन वर्ष है 1950। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि इंद्रधनुष एकांकी किसकी है, नंबर एक रामचंद्र शुक्ल की, बी नंबर जयशंकर प्रसाद की और सी नंबर है राम कुमार वर्मा की और डी नंबर है गुलाब राय की। तो इंद्रधनुष जो एकांकी है वो राम कुमार वर्मा जी की ही है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इनमें से चारों मित्रा के लेखक कौन है, नंबर एक गिरधर दास, बी नंबर धर्म भारती और सी नंबर राम कुमार वर्मा, डी नंबर जयशंकर प्रसाद। तो चारों मित्रा के जो लेखक हैं, ये क्वेश्चन शायद कई बार रिपीट भी हो चुका है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। तो चारों मित्र के जो लेखक हैं वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि बापू एकांकी का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो बापू भी एक प्रकार की एकांकी है जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की ही है। तो इसका वर्ष किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी, वो आपको ऑप्शन इसमें से दिए गए हैं 1935, 1980, 1944 और डी नंबर 1956। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर 1956 ईस्वी में बापू एकांकी का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो मैं जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका राइट आंसर भी बोल देता हूँ, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा थोड़ी होगा। क्वेश्चन दे रहेंगे आप लोगों को ओमार सीट पे एग्जाम, जिन स्टूडेंट को होगा चार ऑप्शन रहेंगे, उनमें से जो राइट होगा उसको आप लोगों को फिल कर देना गोला करके। ठीक है, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम है उनके लिए ये बोलूँगा कि वो अगर जहाँ पर उनका एग्ज़ाम सेंटर होगा वहाँ पर जब जाएंगे तो उनको आपको पूरी वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कैसे फिल करना है, कैसे आंसर देना है। ठीक है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए कि ओमार सीट पे होगा तो मुझे मालूम ही नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है वो, तो कोई इशू नहीं है। आप वहाँ पर जाएंगे तो पूरी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल बताई जाएगी कैसे क्या प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नंद वंश के उन्मूलन का संकल्प किसने लिया था। ऑप्शन एक है चंद्रगुप्त ने, बी नंबर नंद ने, सी नंबर अलका ने, डी नंबर चाणक्य ने। तो नंद वंश के उन्मूलन का संकल्प लिया था चाणक्य ने, इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्न में से चंद्रगुप्त किस वंश का था, नंबर एक शाक्य, बी नंबर मौर्य, सी नंबर कुषाण, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त को आप लोगों को मालूम ही होगा किस वंश के थे, तो चंद्रगुप्त जी मौर्य वंश के थे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के विरुद्ध संयंत्र किसने रचा। तो चंद्रगुप्त के विरुद्ध किसी ने संयंत्र रचा था, उसका आपको ऑप्शन मिल जाएंगे क्या है नाम, नंबर एक है विष्णुगुप्त, बी नंबर राक्षस, सी नंबर नंद और डी नंबर है उपरोक्त में सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो षड्यंत्र रचा था वो राक्षस ने रचा था, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि ऋतुराज एकांकी का प्रकाशन वर्ष क्या है। ऑप्शन एक है 1945, सी नंबर 1950, सी नंबर है और बी नंबर है 1950, सी नंबर 1947 और डी नंबर 1935। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऋतुराज जो एकांकी थी वो प्रकाशित हुई थी 1950 ईस्वी में, इसलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो ये सारी बहुत सारी एकांकी हैं और इनका सबका एकांकीकार कौन है और किस सन में प्रकाशित हुई हैं, सारे क्वेश्चन आप सही से समझिएगा क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगी, हो सकता है आप कन्फ्यूज जाएँ कि ऋतुराज किस सन में प्रकाशित हुई थी। ऊपर जो मैंने भी आप लोगों को बापू बताया है, एकांकी बताई है, बहुत सारी बताई हैं एकांकी, तो उनमें आप लोगों को ध्यान रखना कि कौन किस सन में प्रकाशित हुई है, कौन किस सन में प्रकाशित हुई या प्रकाशन हुआ है, उनमें कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कामकंदला एकांकी का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1955 हो जाएगा। ठीक है, कामकंदला 1955 में प्रकाशित हुई थी, प्रकाशन वर्ष इसका 1955 है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बचपन का क्या नाम था, नंबर एक है अनमोल, बी नंबर कुमार, सी नंबर रंजन और डी नंबर जगन्नाथ। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी जो थे उनके बचपन का नाम था कुमार, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर।
ठीक है, कुमार नाम था, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा को एकांकी नाटकों की भीष्म पितामह कहा है किस विद्वान ने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को नाटक का भीष्म पितामह कहा है, किसने कहा है, किन विद्वान ने कहा है? तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑप्शन है कि कबीरदास, बी नंबर रामचंद्र शुक्ल, सी नंबर विष्णुदास, सी नंबर है विष्णुदास, और डी नंबर है भोलानाथ भ्रमर। तो एकांकी नाटकों का भीष्म पितामह उन्होंने भोलानाथ भ्रमर ने कहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौमुदी महोत्सव का प्रकाशन वर्ष क्या है? नंबर एक है 1949, बी नंबर है 1949, सी नंबर 1927, और डी नंबर है 1925। तो मैं आपको बता दूं जो ये कौमुदी महोत्सव है ये राम कुमार वर्मा जी की ही रचना है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि बीए फर्स्ट ईयर हिंदी, ठीक है, हिंदी में जो इनका लेसन है या आप कह सकते हैं कि इनका जो पाठ्यक्रम है वो कौमुदी महोत्सव ही है। ठीक है, इसी से रिलेटेड इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे कौमुदी महोत्सव से ही रिलेटेड थे और राम कुमार वर्मा जी की ये रचना है। ठीक है, तो इसी के बारे में लेसन का नाम कौमुदी महोत्सव ही था। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपके पाठ्यक्रम में राम कुमार वर्मा जी का कौन सा रचना संकलित है या कौन सी कृति संकलित है या किसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि कौमुदी महोत्सव ही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1949, बी नंबर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुसुमपुर का पुराना अमात्य कौन था? तो ऑप्शन एक है नंद, बी नंबर चाणक्य, और सी नंबर है राक्षस, डी नंबर है यशो वर्मन। तो कुसुमपुर का जो पुराना अमात्य था वो था राक्षस, इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि रजत रश्मि किसकी एकांकी है? नंबर एक डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी नंबर रामचंद्र शुक्ल, डी नंबर नागेंद्र वर्मा और डॉक्टर नागेंद्र, और डी नंबर है अमृत राय। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रजत रश्मि जो है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की ही एकांकी है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुसुमपुर के समाहर्ता कौन है? नंबर एक सैनिक वसु गुप्त और भृत्य, डी नंबर में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वसुगुप्त, ठीक है, बी नंबर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौमुदी महोत्सव के रचनाकार कौन है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया ही था, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कौमुदी महोत्सव के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभूति एकांकी का प्रकाशन कब हुआ? नंबर एक है 1952, और बी नंबर ऑप्शन है 1924, सी नंबर 1943, और डी नंबर 1928। तो विभूति एकांकी का प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से चाणक्य ने क्या खोलकर नंद के विनाश का संकल्प लिया था? क्वेश्चन समझिएगा, निम्न में से चाणक्य ने क्या खोलकर नंद के विनाश का संकल्प लिया था? ऑप्शन है कि चूड़ा, बी नंबर शिखा, सी नंबर तलवार, और डी नंबर है लेखनी। तो चाणक्य ने शिखा को खोलकर नंद के विनाश का संकल्प लिया था, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर शिखा। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राम कुमार वर्मा को उनके किस एकांकी संग्रह पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रंगरूप, पृथ्वीराज, सप्तकिरण पर, और सी नंबर है रेशमीटाई पर। तो राम कुमार वर्मा जी को अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार मिला था सप्तकिरण पर, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का पुरस्कार उनको किस एकांकी संग्रह पर मिला था, तो आप सप्तकिरण पर सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विषकन्या से चंद्रगुप्त की रक्षा किसने की? नंबर एक जयवर्धन ने, बी नंबर चाणक्य ने, सी नंबर नंद ने, और डी नंबर है विष्णुवर्धन ने।
विश्वकन्या की जो विश्वकन्या, फिर चंद्रगुप्त की रक्षा किसने की थी? ठीक है, चंद्रगुप्त की जो रक्षा की थी वो की थी चाणक्य ने। ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। ओके, तो अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन थे राम कुमार वर्मा जी से रिलेटेड, इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लगे, मैंने सारे क्वेश्चंस वीडियो में बता दिए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको मैंने वेबसाइट पे डाला है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, sandeepinfo.com, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो प्लीज़ उस पर जाइए, क्लिक करिए और वहाँ पर आपको बहुत सारे कवि लेखक से रिलेटेड आपको रचनाएँ मिल जाएंगी और साथ साथ में राम कुमार वर्मा जी से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ जाके आप लोग जरूर विजिट करिएगा वेबसाइट पर, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, अगर आप उससे ज्वाइन होना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए, मैं डेली उस पर भी कोई क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ जिससे स्टूडेंट को हेल्प मिल जाए। ठीक है, और जिन स्टूडेंट का जो भी क्वेश्चन है, जो भी कोई रिया, जो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं बेशक कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। और जिन स्टूडेंट को जो भी मॉडल पेपर चाहिए प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं भी उसकी लाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।